बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हम लोग बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में 0 to 16 नंबर्स होते हैं, तो हम लोग पहले एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। हम लोग बाइनरी को हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट भी बना सकते हैं एक चार्ट की सहायता से, और उसको बिना चार्ट की सहायता से भी बना सकते हैं, जो हम वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे। तो हम लोग पहले एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग को तो 0 से 16 होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को हम लोग लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई और 15 को लिखते हैं एफ। तो अब हम लोग इसका बाइनरी, ये हेक्साडेसिमल है तो इसका हम लोग 4-4 संख्याओं में लिखेंगे। देखिए जब तक इसका हम लोग 1 नहीं आ जाता, देखिए इसका 16 होता है, 16 होता है तो बाइनरी में 2 होता है, तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो आएगा 8, तो हम लोग 8 बार 0 और 8 बार 1 लिखेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार 1। अब फिर 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो 4 बार 0, 4 बार 1। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार 0, 2 बार 1, तो 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है, तो फिर अब हम लोग 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बार 0, 1 बार 1 लिखेंगे, तो 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
याद करना तो याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, जैसे कोई संख्या हमें बाइनरी में दी हुई है कि 1110000.001101, तो ये हमारा बाइनरी में दिया है और इसमें हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हमें ये याद रखना है कि जब हमको कहे हेक्साडेसिमल में चेंज करो तो हमें यहाँ पे चार चार का पेयर लेना है, और वैसे तो हम वहाँ पे ले रहे थे तीन तीन बिट ले रहे थे, यहाँ पे चार चार बिट लेंगे। और हम लोग चलेंगे उसी तरह जैसे उसमें हम लोग राइट से चल रहे थे इधर, और इधर लेफ्ट से चल रहे थे, तो इसमें भी हम लोग इधर राइट से चलेंगे चार संख्या तक का, ये तो पूरी है, और यहाँ पे लेफ्ट से चार, ये चार हो गई। यहाँ पे दो कम है तो हम लोग दो जीरो मान लेते हैं, देखिए एक सॉरी चार बार एक है ये हो जाएगा चार, फिर चार बार जीरो है ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0011 और यहाँ पे 0100 हम लोग मान लेंगे। अब देखिए ये हमें देखना है चार्ट में चार बार वन किस नंबर के आगे है, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर के आगे है, तो हम यहाँ पे 15 लिखें या एफ लिखें। वैसे हेक्साडेसिमल में एफ लिखा जाता है, 15 नहीं एफ, इसलिए हम लिख दिया है। चार बार जीरो से जीरो ही में होगा देखिए, और 001 चार्ट में ढूंढते हम लोग कहाँ है, देखिए ये है हमारा चार्ट में 0013 के आगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर 0100 कहाँ है, फिर चार्ट में देखते हैं 0100 ये चार में है, देखिए 0100 ये हाँ चार ही में है 0100, यहाँ पे चार लिख देंगे। अब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं F0.34, ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसी तरह हम लोग लिखते हैं।
ये चार्ट आप देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप बना सकते हैं आप।